नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोटर टॉर्शन। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि XUV 3XO का लाइव बिल्ड क्वालिटी टेस्ट जैसे कि हमने ब्रीजा के साथ किया था, वो किया सोनेट के साथ भी देखना चाहते हैं। तो हम एक ऐसा टेस्ट करते हैं इस चैनल पे जिसके लिए हमने काफ़ी मेहनत की है, एक ऐसे डिवाइस के साथ जिसके लिए काफ़ी टाइम हमने रिसर्च किया और उसके बाद हमने उस डिवाइस के साथ टेस्टिंग शुरू की। ये डिवाइस हमने असेंबल करवाया स्पेशल बिल्ड क्वालिटी टेस्ट के लिए। तो ये डिवाइस बताता है कि गाड़ी का जो लोहा है, आउटर शीट है, इंटरनल बॉडी है, वो कितनी हैवी है, कितनी मोटी है। हालांकि ये नहीं बताता कि मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो बहुत से चैनल्स पे आपको देखने को मिल जाएगा कि काफ़ी लोग जो है गाड़ी का डोर बंद करके या गाड़ी के डोर को दबा के, लोहे को दबा के चेक करते हैं कि भाई देखो बिल्ड क्वालिटी। लेकिन इस हमारे टेस्ट में आपको बड़ी ही पारदर्शिता के साथ पता चलेगा कि दोनों गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी में क्या डिफरेंस है। तो काफ़ी मेहनत की हमने इसके लिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए पहले XUV 3XO को टेस्ट करते हैं, उसके बाद सोनेट को टेस्ट करेंगे और फिर कंपैरिजन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग सबसे पहले बोनट से। तो दोस्तों, ये डिवाइस जो है रीडिंग बताता है MM में, यानी कि जो मोटाई है वो कितनी है MM में। तो आप देख लीजिए, जो बोनट है, आउटर शीट बोनट की 1.6 MM जो है इसकी रीडिंग आई है, यानी कि ये 1.6 MM तक इसकी मोटाई है जो आउटर चद्दर है जो गाड़ी की। और बोनट की जो साइड पार्ट से आपने देखा कि 1.3 MM, और ये हमारा है फ्रंट बम्पर जो कि 9.1 MM के आसपास है, 9.1 से 2 MM। और ये डिवाइस बड़ा एक्यूरेट काम करता है, आप बाकी वीडियोस चेक कर सकते हैं अगर आपको प्रूफ चाहिए फिजिकल एक्यूरेसी के साथ। और आपने फ्रंट ए पिलर देखा 1.8 MM के आसपास, साइड फ्रंट फेंडर जो है 1.6 MM इसकी मोटाई। तो कुल मिला के 1.6 MM के आसपास जो आउटर शीट है उसकी मोटाई है। साइड डोर पे भी आप देख सकते हैं 1.6 MM जो है मोटाई। और ये अंडर बॉडी की अगर बात करें तो 1.4 MM जो इसका लोहा है जो उसकी मोटाई है। और रियर साइड फेंडर्स आप देख सकते हैं 1.4 MM, रियर बम्पर 9.4 MM मोटा है बम्पर जो है, फ्रंट और बैक 9 प्लस में है, दोनों देखने को मिलते हैं। आगे वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, हम बहुत कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आएं। ये वीडियो हमने काफ़ी गर्मी में 50 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे बनाई है जो कि इंडिया की सबसे टॉप गर्म सिटी में है, सिरसा हरियाणा। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें और हमारी टीम को मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम सोनेट की टेस्टिंग करते हैं। करते हैं साइड डोर की टेस्टिंग से। तो साइड डोर को जब हमने टेस्ट किया तो हमने देखा कि जो आउटर शीट है वो 1.1 MM मोटाई है इसकी। और इसके बाद जब हमने टेस्ट किया नीचे की तरफ तो वहाँ पे 1.3 MM। और वहीं अगर हम बात करें यहाँ नीचे की साइड, तो अंडर बॉडी जो है इस गाड़ी की, हमने काफ़ी बार टेस्ट किया काफ़ी अलग अलग जगह से, तो उसका जो साइज़ था वो भी हमें 1.3 MM देखने को मिला। इसके बाद हमने रूफ़ टेस्ट किया, रूफ़ जो थी वो 1.1 MM। तो लगभग पूरी गाड़ी में आउटर शीट हमें 1.1 MM के आसपास देखने को मिली। रियर बम्पर आप देख सकते हैं 8 MM क्या यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो साइड फेंडर है सेम वही 1.1 MM हमें देखने को मिल रहा है। और ये ए पिलर में आप देख सकते हैं 1.3 MM एक जगह से और दूसरी जगह से हमें ये देखते हैं तो नीचे की तरफ जब हमने देखा तो 1.1 MM अगेन, तो 1.1 MM से 1.3 MM इसके जो ए पिलर है। और फ्रंट बम्पर है 8.1 MM जो कि थोड़ा मोटा है एज़ कम्पेयर टू रियर बम्पर। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो ये दोनों ही गाड़ियों का रिजल्ट है और जो आप देख सकते हैं XUV 3XO की आउटर शीट है वो कहीं ना कहीं किया सोनेट से काफ़ी आगे है। 1.3 MM तो एक दो जगह ही है लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है 1.6 MM देखने को मिलती है। किया सोनेट में आपको 1 से 1.1 MM तक देखने को मिलती है आउटर शीट। फेंडर्स भी अगर बात करें, फ्रंट फेंडर जो है वो भी आउटर शीट वहाँ पर भी काफ़ी मोटी है XUV 3XO में, लेकिन किया सोनेट में 1 MM ही देखने को मिलती है। रूफ़ में भी अगेन, तो आउटर शीट ओवरऑल हर जगह की जो XUV 3XO है उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। बम्पर्स भी जो काफ़ी हैवी हैं किया सोनेट के कंपैरिजन में, और इंटरनल स्ट्रक्चर लगभग सेम है, अंडर बॉडी भी लगभग सेम है जो XUV 3XO उसमें 1.6 MM और किया सोनेट में 1.3 MM देखने को मिलते हैं। तो इस टेस्ट से हम किया सोनेट का आइडिया लगा सकते हैं, बेसिक बिल्ड क्वालिटी का आइडिया। हालांकि हम क्रैश टेस्ट रेटिंग नहीं बता सकते क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती है, एक्चुअल क्रैश होता है उसमें, गाड़ी का जो टेक्निकल डिज़ाइन है वो कितना स्ट्रॉन्ग है उस पर डिपेंड करता है, मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हमारा जो ये टेस्ट है इससे हम एक बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि एक 5-स्टार रेटेड के मुकाबले नॉन टेस्टेड गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। आपको क्या लगता है इस टेस्ट के बाद सोनेट की सेफ्टी रेटिंग क्या हो सकती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किस गाड़ी के साथ आप कंपैरिजन देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।